योर एक्सलेंसी राष्ट्रपति बोल्सोनारो सबसे पहले मैं ब्रिक्स के सफल संचालन के लिए राष्ट्रपति पुतिन को बधाई देता हूं आपके गाइडेंस और इनिशिएटिव की वजह से वैश्विक महामारी के समय में भी ब्रिक्स अपनी गति को बरकरार रख पाया है अपनी बात आगे रखने से पहले मैं प्रेसिडेंट रामा फोसा को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूं एक्सलेंसीज इस साल के समिट का थीम ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ प्रासंगिक तो है ही किंतु दूरदर्शी भी हैं विश्व में महत्वपूर्ण जियो स्ट्रैटेजिक बदलाव आ रहे हैं जिनका प्रभाव स्टेबिलिटी सिक्योरिटी और ग्रोथ पर पड़ना और पड़ता रहेगा और इन तीनों क्षेत्रों में ब्रिक्स की भूमिका अहम होगी एक्सलेंसीज इस वर्ष दूसरे विश्वयुद्ध की 75वीं वर्षगांठ पर हम वीर गति पाए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं भारत से भी 2.5 मिलियन से अधिक वीर इस युद्ध में यूरोप अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया जैसे कई फ्रंट्स पर सक्रिय थे इस वर्ष यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ भी है यूएन के एक संस्थापक सदस्य के रूप में भारत मल्टीलेटरलिज्म का दृढ़ समर्थक रहा है भारतीय संस्कृति में भी पूरे विश्व को एक परिवार की तरह माना गया है अतः हमारे लिए यूएन जैसी संस्था का समर्थन स्वाभाविक था यूएन के मूल्यों के प्रति हमारा कमिटमेंट अड़िग रहा है पीस कीपिंग ऑपरेशंस में सबसे अधिक वीर सैनिक भारत ने ही खोए हैं किंतु आज मल्टीलेटरल सिस्टम एक संकट के दौर से गुजर रहा है ग्लोबल गवर्नेंस के संस्थानों की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं इसका प्रमुख कारण यह है कि इनमें समय के साथ उचित बदलाव नहीं आया ये अभी भी 75 साल पुराने विश्व की मानसिकता और वास्तविकता पर आधारित है भारत का मानना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स बहुत ही अनिवार्य है इस विषय पर हमें अपने ब्रिक्स पार्टनर्स के समर्थन की अपेक्षा है यूएन के अतिरिक्त कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी वर्तमान वास्तविकताओं के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं डब्ल्यूटीओ आईएमएफ डब्ल्यूएचओ जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी सुधार होना चाहिए एक्सलेंसीज आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए हमें खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप दे दिया गया है यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत इस कार्य को अपनी अध्यक्षता के दौरान और आगे बढ़ाएगा एक्सलेंसी कोविड के बाद की वैश्विक रिकवरी में ब्रिक्स इकोनॉमिक्स की अहम भूमिका होगी हमारे बीच विश्व की 42 प्रतिशत फोर्टी परसेंट से अधिक आबादी बसती है और हमारे देश ग्लोबल इकोनॉमी के मुख्य इंजिन से हैं ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़ाने का बहुत स्कोप है हमारे आपसी संस्थाएं और सिस्टम्स जैसे ब्रिक्स इंटरबैक इंटर बैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म न्यू डेवलपमेंट बैंक कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट और कस्टम्स कोऑपरेशन आदि भी वैश्विक रिकवरी में हमारे योगदान को इफेक्टिव बना सकते हैं भारत में हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक व्यापक रिफॉर्म प्रोसेस शुरू किया है यह कैंपेन इस विषय पर आधारित है कि एक सेल्फ रिलायंट और रेजिलिएंट भारत पोस्ट कोविड अर्थव्यवस्था के लिए फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है और ग्लोबल वैल्यू चेंज में एक मजबूत योगदान दे सकता है इसका उदाहरण हमने कोविड के दौरान भी देखा जब भारतीय फार्मा उद्योग की क्षमता के कारण हम 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाइयां भेज पाए जैसा मैंने पहले भी कहा है हमारी वैक्सीन उत्पादन और डिलीवरी क्षमता भी इस तरह मानवता के हित में काम आएगी भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कोविड 19 वैक्सीन उपचार तथा जांच संबंधी इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स में छूट दिए जाने का प्रस्ताव रखा है हमें आशा है कि ब्रिक्स के अन्य देश भी इसका समर्थन करेंगे अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान भारत डिजिटल हेल्थ और ट्रेडिशनल मेडिसिन में ब्रिक्स सहयोग बढ़ाने पर कार्य करेगा इस मुश्किल वर्ष में भी रूसी अध्यक्षता में पीपल टू पीपल रिश्तों को बढ़ाने के लिए कई इनिशिएटिव लिए गए जैसे कि ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल और युवा वैज्ञानिकों और युवा राजनयिकों की बैठकें इसके लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एक्सलेंसी 2021 में ब्रिक्स के 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे पिछले सालों में हमारे बीच लिए गए विभिन्न निर्णयों का मूल्यांकन करने के लिए हमारे शेरपा एक रिपोर्ट बना सकते हैं 2021 में अपने अध्यक्षता के दौरान हम ब्रिक्स के तीनों स्तंभों में इंट्रा ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करने का प्रयत्न करेंगे हम इंट्रा ब्रिक्स एकजुटता को बढ़ाने और इस उद्देश्य के लिए ठोस संस्थागत फ्रेमवर्क डेवलप करने का प्रयास करेंगे मैं फिर एक बार राष्ट्रपति पुतिन के सभी प्रयासों का अभिनंदन करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं धन्यवाद